नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, राइट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमारी बातचीत चल रही थी, आधी अधूरी बात रह गई थी, आज हम उस बात को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट। तो आज हम पहले सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक है आपका कंप्यूटर, यानी चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर में जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैन। हमारा फर्स्ट मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो यूनिवेक था, यानी कि कहने का मतलब ये है बहुत बड़ी मात्रा में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है, राइट। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन अब डेली क्लास हुआ करेगी, ओके। चलो कंटिन्यूस करते हैं इस क्लास को। हमने पढ़ा जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये एक बिजनेस के लिए है, एक बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, राइट। छोटे मोटे जैसे हम दुकानदार हैं या घर वगैरह में यूज किया जाता है तो हम पीसी लैपटॉप से काम चला लेते हैं, राइट। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अगर डेटा का स्टोर करना हुआ तो उसके लिए ज़रूरी होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगर मान लो मैं ही एक बहुत बड़ा बैंक खोलना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं छोटे से कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो तो ऑनलाइन काम रहेगा ही रहेगा, लेकिन मुझे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि जहाँ पे क्या हो डेटा को स्टोर किया जा सके, राइट। तो ये बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टर्मिनेट को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं गाइस, एक बार क्लास को लाइक कर देना और हाँ, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, ओके। यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो मल्टी यूजर होता है, यानी एक ही समय पर एक से ज़्यादा वेबसाइट पर हम काम कर सकते हैं, राइट। यह क्या होता है, तो यह एक डंब टर्मिनल, इसमें डंब टर्मिनल का यूज होता है। क्या होता है डंब टर्मिनल, बात यही आपके मन में होता है कि टर्मिनल होता क्या है। टर्मिनल का मतलब होता है डेटा को स्टोर या प्रोसेस कराने के लिए, रिसीव या सेंड करने के लिए टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है, टर्मिनल का यूज़ किया जाता है। डेटा होता है, हम एक जगह से डेटा को दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है, वहाँ पर डेटा क्या होगा स्टोर होगा, ठीक है, या फिर प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं डेटा को सेंड करते हैं। भाई मैंने अपना डेटा बना लिया है, अब मुझे दूसरे को भी तो देना पड़ेगा उस डेटा को, या उसके बारे में अपना डेटा अपने पास ही रखा। अब हम रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं तो क्या केवल देखने के लिए, नहीं, कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है तो किसी और के पास जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, तो सेंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है टर्मिनल की, ठीक है। ये जो टर्मिनल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका काम होता है सेंड करना, रिसीव करना, यह कई प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, आप क्या लिखोगे टर्मिनल, यानी आज मेन फ्रेम कंप्यूटर मुझे ख़त्म करना है और आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल यानी डेटा को स्टोर करना, स्टोर डेटा, स्टोर डेटा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, सॉरी, प्रोसेस, ठीक है, स्टोर डेटा या प्रोसेस करने के लिए, रिसीव एंड सेंड, ठीक है, जो हम करते हैं आर कॉल्ड क्या टर्मिनल। स्टोर डेटा या प्रोसेस, स्टोर किए डेटा को रिसीव करना एंड क्या करना प्रोसेस सॉरी सेंड करना और रिसीव करना क्या कहलाता है, आर कॉल्ड, लिख लो आर कॉल्ड टर्मिनल। टर्मिनल मैं हट जा रही हूँ और थोड़ा बड़े में ही लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। डेटा को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए, रिसीव या सेंड करने के लिए किसका यूज किया जाता है टर्मिनल का, राइट। टर्मिनल कितने प्रकार का होता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए टर्मिनल का, ठीक है, तो टर्मिनल जो होता है टोटली तीन प्रकार का होता है, राइट। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा चल रहा था, चलो आज हम पढ़ लेते हैं टर्मिनल के बारे में, ठीक है। तो टर्मिनल जो होता है आपका, जो टर्मिनल होता है ये तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो पहला होता है स्मार्ट टर्मिनल, मैं इसे केवल समझाऊंगी आपको टर्मिनल, ठीक है। जो दूसरा होता है, पहला है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है डंब टर्मिनल,
ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका इंटेलिजेंस। ये तीसरा, तीन टर्मिनल होते हैं, पहला होता है स्मार्ट टर्मिनल, दूसरा होता है डम्ब और तीसरा टर्मिनल इंटेलिजेंस। ये स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है, मैं आपको जब समझाऊंगी ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट मतलब जो इंसान स्मार्ट है, स्मार्ट इंसान क्या होता है, दिमाग का यूज करता है ना। क्या होता है, ये प्रोसेस तो करता है, जैसे कोई चीज़ आ रहा है तो वो प्रोसेस तो करेगा लेकिन कभी स्टोर करके नहीं रखेगा, ये फालतू काम नहीं करता। ये कब आया है, वो कब गया, उससे मतलब नहीं है। हाँ, प्रोसेस कर लेगा। स्मार्ट लोग की यही कहानी होती है ना। यानी ये वह टर्मिनल होता है जो आपका प्रोसेस तो करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस। अरे यार मैं भी क्या लिख रही हूँ, प्रोसेस, प्रोसेस तो ये करता है लेकिन कभी भी डेटा को स्टोर नहीं करेगा। एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई भी आप सामान, जैसे कोई भी आप डेटा, कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है, आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, ठीक है, आपको काम है तो वो क्या करेगा, आप कहोगे ये काम कर दो, वो काम कर देगा, लेकिन कहोगे कि ये काम करके अपने पास कुछ दिन रख लो तो कहेगा भैया ये सब मेरे बस का नहीं है। कैसे, अब आप देख लो, एग्जाम्पल देख रही हूँ, दे रही हूँ, समझना। एग्जाम्पल है आपका कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, जो भी प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, हम सारा काम कर लेते हैं इसमें, है ना। पर क्या इसमें डेटा स्टोर हो जाता है, जैसे मैंने प्लस किया, 3 + 2 = क्या आ गया, आंसर 5। ये प्लस किया, प्रोसेस कर लिया, मैंने उसे कहा 3 और 2 को प्लस करके दिखाओ, तो स्मार्ट जो टर्मिनल होता है वो प्लस तो कर देगा और आपको बता देगा भाई 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, ये काम करके सॉल्व करके दिखा देगा। लेकिन आप कहोगे कि इसे 2-4 दिन में पास रख लो ना, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी आपने पहला कर लिया, दूसरा बोलोगे 5 और 3 कितना होता है तो बता देगा 8, लेकिन पहला वाला स्टोर नहीं किया, वो हट गया, फिर दूसरा वाला आ गया, तीसरा चाहिए, वो चीज़ कर लेगा लेकिन कभी स्टोर करके नहीं रखता। तो ये होता है स्मार्ट टर्मिनल, ठीक है, क्या होता है स्मार्ट टर्मिनल। अब हम बात करते हैं किसका, डम्ब टर्मिनल के बारे में, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलता है दूसरा, डम्ब टर्मिनल। अब बोलोगे डम्ब टर्मिनल क्या होता है, डम्ब स्कूल में जब हम छोटे थे, क्या अभी मान लो छोटे ही हैं, हमारे क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा होता होगा जो बिल्कुल ही डम्ब है, कुछ करता ही नहीं है, पढ़ने लिखने में उसका मन ही नहीं लगता, उसे सब कहते हैं तो बिल्कुल बेकार बच्चा है, बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल गधा है, कहते हैं ना स्कूल में जो बच्चा न पढ़ता है, न होमवर्क करता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल डम्ब है, न पढ़ाई में है, न लिखाई में है, न खेलने में है, न कूदने में है, पता नहीं बुद्धि कहाँ गई है, जैसे इंसान को डम्ब कहते हैं, राइट। यानी कहने का मतलब है नो प्रोसेस नो स्टोर, ठीक है, नो प्रोसेस नो स्टोर, ठीक है। यानी कि ये जो होता है डम्ब टर्मिनल, ये आपका प्रोसेस भी नहीं करता, यानी नो प्रोसेस नहीं करता है, और ना तो क्या करता है, स्टोर करता है, नो स्टोर भी नहीं करता है कि आपकी फाइल को उठा कर रख लेगा, ठीक है, ना तो ये एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, प्रोसेस भी नहीं करेगा, और ना तो स्टोर करके रखता है, सॉरी ना प्रोसेस करता है ना स्टोर करता है। तो ये डम्ब किस काम का है, इसका काम केवल है फाइल को उठाएगा और एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा, बस ये काम होता है। तो इसका काम क्या होता है, ओनली सेंड एंड रिसीव। हाँ, फाइल जो आएगा ना, डेटा वगैरह, उसे आपका ले लेगा और ले को जहाँ पहुँचाना वहाँ तक दे देगा। जैसे होते हैं ऑफिस वगैरह में कुछ चपरासी होते हैं, उनका काम होता है, जैसे कहते हैं राम श्याम जो भी है, रामू इधर आओ, ये फाइल उस केबिन के इस सर को दे दो, तो वो उठाएगा और कुछ नहीं सुनेगा, बस उस दूसरे वाले जिस केबिन में जाना है वहाँ पहुँचा, सर आपका फाइल आपको दे देगा, बस यही काम कर सकता है। एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पहुँचाया, दूसरी जगह से उठाया, तीसरी जगह पहुँचाया, मतलब यही काम करना। ना तो वो प्रोसेस कर सकता है कि उस फाइल में देख चेक कर ले कि हाँ क्या गलती है क्या नहीं, ना तो ये करता है और ना तो ये कर सकता है कि अपने पास कर दो उसे रख लो भैया कुछ देर के लिए, बोलेगा ना भैया ना मेरे बस का ना है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल डम्ब टर्मिनल होता है, नो प्रोसेस नो स्टोरेज, ठीक।
आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या आ गया, अब तीसरा देखो क्या होता है। तीसरा जो होता है वो होता है इंटेलिजेंस। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटेलिजेंस क्या है, ये इंटेलिजेंस टर्मिनल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंटेलिजेंस, यानी इसमें सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल वो होता है जो डेटा को स्टोर कर, भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर में आप यहाँ अकाउंट खुलवा रहे हो लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, तो ये यहाँ का डेटा वहाँ कौन पे भेज रहा है, तो ये आपका टर्मिनल ही तो भेजता है। ठीक है, याद रहे टर्मिनल के थ्रू ही मेन फ्रेम कंप्यूटर में जितना काम होता है ना, डेटा का लेना देना, रिसीव करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ये सारा काम टर्मिनल का होता है, याद रहे। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो, मेन फ्रेम नहीं हर कंप्यूटर की बात की जाए तो, ठीक है, एक जगह से डेटा एक दूसरे को स्टोर करना, प्रोसेस करना और सेंड करना, रिसीव करना, ये काम टर्मिनल का होता है। और टर्मिनल के भी तीन पार्ट होते हैं, किसका क्या काम है। इसमें क्या होता है भैया, ये प्रोसेस भी करता है पहला काम, और ये डेटा को आपको स्टोर भी करता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों काम होते हैं आपके इंटेलिजेंस टर्मिनल में। आई होप इतने चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्यों गाइस, है ना। आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब बात आती है इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आता है, तो इसके बाद आपका आता है सुपर कंप्यूटर, है ना। सुपर कंप्यूटर पढ़ना है तो क्या आज से स्टार्ट किया जाए। सुपर कंप्यूटर की स्टार्टिंग नए दिन से होनी चाहिए। कल के दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप पूछोगे क्या, तो मैं आपको आंसर बता दूं। कल मैंने पूछा था कि सबसे तेज कौन चलता है या कौन दौड़ता है, सबसे तेज दुनिया में सबसे तेज जो चलता है और सबसे तेज जो दौड़ता है वो है हमारा मन। मन कितना तेज दौड़ता है कुछ कह नहीं सकते, है ना, बहुत तेज दौड़ता है। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मन लगा कहाँ, कुल्लू पहुंच गए, मनाली पहुंच गए, है ना। ये होता है मन, सबसे तेज मन ही तो चलता है, न शेर चलता है न भालू चलता है और न ही इंसान चलता है, है ना। और समय भी नहीं चलता है, समय तो अपने गति से पहले भी चलता था और आज भी चलता है, राइट राइट ओके। चलो अब एक मैं आपको चुटकुला सुनाती हूँ, मेरी चुटकुला सुनना आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चुटकुला सुनना, एक बार क्या होता है, तीन बच्चे रहते हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, तो बैठ के गप्पे हाँते रहते हैं, बोस्टिंग करते रहते हैं, बोस्टिंग मतलब डिंगे हाँकना, ठीक है, तो बैठ के अपना डिंगे हाँते रहते हैं। तुम्हें पता है, और बात जो टॉपिक किस पे था, तो टॉपिक जो था वो था आपके दादाजी पे। तो पहला बच्चा बोलता है, तुम्हें पता है मेरे दादाजी इतने बड़े शिकारी थे कि जब वो बंदूक उठाते थे ना तो शेर तुरंत मर जाता था। दूसरा बोला, बस अरे मेरे दादाजी तो इतने बड़े शिकारी थे कि वो जो क्या होता है कारतूस, जो गोली होती है कारतूस की गोली दिखाते थे शेर को, शेर मर जाता था। तो तीसरा बोला, बस हो गया। तीसरा बोला, मेरे दादाजी शेर को अपना लाइसेंस दिखाते थे और शेर खुद मर जाता था। कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये रही चुटकुला, ताकि आप बोरिंग ना हो, क्लास मज़ेदार हो। सुपर कंप्यूटर आज नहीं स्टार्ट करूँगी, कल की क्लास में सुपर कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, 12 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। हर एक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में आते हैं वही पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट चल रहा है वही पढ़ेंगे, और फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो कभी पूछा ना हो ना कभी पूछेगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब जरूर करो, खुद भी करो और उसे भी करवाओ, आप भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके बाय बाय, सी यू।